लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
हेलो पिंटो यार, पिंटो जल्दी से गराज से भाग जा। क्यों? अरे अकबर और वीरू जेल से फरार हो गए हैं हरामजादे। गोगा ब्रदर, तुम भी लड़की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो भाग। लेकिन हमारे धंधे के अंदर जब तुम जैसे की मौत आती है तो वो दुश्मन से बचकर भागता है, लेकिन अपनों के हाथों पुलिस स्टेशन। या तो उस लोहे में मिलावट है जिससे जेल की सलाख बनती है, या फिर मिलावट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में। वरना कोई वजह नहीं हो सकती कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वीरू और अकबर जैसे खतरनाक मुजरिम जेल तोड़कर भाग जाए और पिंटो का खून करके खुले हम कानून का मजाक उड़ाए। कानून के हाथ लंबे हैं सर, और पांव छोटे। मुजरिमों के पांव के निशान तो मिलते हैं लेकिन मुजरिम नहीं मिलते। आई एम डेफिनेट सर, इस बार मुजरिम भी मिलेंगे। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मुजरिम कानून की नजर से बच सके। वीरू, प्यार की आखिरी मंजिल क्या है? तलाक। क्या? हाँ, लेकिन उसके लिए पहले शादी करनी पड़ती है। तो बताओ ना वीरू, हम शादी कब कर रहे हैं? जब प्यार से मन भराएगा तब। सबके पास मकान। चल लाओ मत अनिता। अब क्या चुराने आए हो तुम? सब कुछ तो चुरा चुके, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरे सुख, मेरी मोहब्बत। हाँ नीता, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने तुमसे छुपाया कि मैं चोर हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं डर गया कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। इसके लिए मुझे जो चाहे सजा दो अनीता। तुम सिर्फ एक चोर ही नहीं, खूनी हो, कातिल हो, देशद्रोही हो। ना, हम देशद्रोही नहीं है। हम तो किसी की मदद करने गए थे और साजिश का शिकार हो गए। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी कहानी पे यकीन कर लूंगी? हम जानत है, आज हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। अगर तो है हमारी आवाज में, हमारी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आते तो बुला लो अपने पिता को, कर दो हमको पुलिस के हवाले, लग जा ले दो आपका बाजी। अनीता, दरवाजा खोलो बेटी, दरवाजा खोलो।
चिल्लाई क्यों थी? वो रानी मैं कॉकरोच से डर गई थी ना इसलिए। अच्छा सर जाओ जाओ सो जाओ जाके जाओ। ठीक है रानी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटे। वीरू अनीता। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रामू जल्दी से लाओ। ए विष्णु कहाँ है साहब? अरे ये क्या है, मेरी टेबल पर नाश्ता क्यों नहीं आ रहा? बिटिया रानी का नाश्ता दे ही रहना है, बीच में आपको भी दे देंगे। नॉनसेंस, ये बीच क्या होता है? कहा बताई साहब, एक थाल का नाश्ता ऊपर जाता है, दूसरी थाल के बीच में पहली थाल का नाश्ता खत्म हो जाता है। अरे तो क्या अनीता की सुबह सुबह सहेली आई है? नहीं साहब, बिटिया रानी तो अकेले है। बेवकूफ, तो क्या उस पर जिन भूत चढ़ गया है जो इतना खाएगी? भगवान न करे बिटिया रानी के जिन भूत लग जाए। आप नजर न लगाएं, बिटिया रानी बहुत दिन के बाद पेट भर खाए रही हैं। आप तो रोज ही खाते हैं, थोड़ा सबर कर लीजिए। ऐसा लगता है कि वीरू के प्यार का बुखार उतर गया है। मिस्टर वर्मा, एक वक्त था कि हमारी पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से की जाती थी। अब वो वक्त दूर नहीं कि जब हमारी पुलिस की तुलना रेलवे यार्ड से की जाए। सर लेकिन कहां गया तुम्हारा वो दावा जब तुमने कहा था कि मैं उसे जमीन से खोद के निकाल लाऊंगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में से ही कोई ऐसा ऑफिसर है जिसने उन मुजरिमों को पनाह दे रखी है। व्हाट? यस सर, पुलिस की मदद के बगैर कोई मुजरिम बच नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ मिस्टर वर्मा, तो मैं उस ऑफिसर के साथ मुजरिम से भी बदतर सलूक करूंगा। अकबर भाई, तुम लोगों का जाना जरूरी है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो बाहर पुलिस का जाल फैला हुआ है। हम जानते हैं, मगर वो दुश्मनों को हम ज्यादा देर आजाद नहीं छोड़ सकते। हमका जाना ही होगा बहना। मगर कहाँ ढूंढोगे उन्हें? हम ये तो नहीं जानते कि हमारी मंजिल कौन सी है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उस तक पहुंचने की सीढ़ी हम जरूर ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ऑल द बेस्ट वीरू। अकबर। वीरू लागत है फुलबा के जरूरी काम से आई है, चल जल्दी आ। ये फुलबा कौन है? मेरी होने वाली भाभी। फुलबा। फुलबा, बात कहा है? अकबर तू जल्दी चल, मैं बताती हूँ। क्या बात है? तू चल तो सही। चल बीरू। बीरू सलाम साहब। सलाम। सलाम साहब। सलाम। ये तो वही दोनों बदमाश लगते हैं। ये क्या किया तुमने? जानती हो सारे शहर की पुलिस इन दोनों बदमाशों को ढूंढ रही है, और ये मेरे ही घर में। ओह आई सी, अब समझ में आया कि वो बंद रेडियो से गाना कैसे बज रहा था। दो दो मस्तंडों का नाश्ता तू अकेली कैसे कर रही थी? इडियट, अगर ये दोनों मेरे ही घर में पकड़े जाते तो उनको छुपाने के जुर्म में मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ती। स्टूपिड। पर डैडी वो दोनों बेगुनाह हैं। तुझे कैसे पता? उन्होंने मुझे खुद बताया है। अच्छा, तो ये भी बताया होगा कि असली मुजरिम कौन है? नहीं, वो पता करना तो आपका काम है। शट अप, अब तुम मुझे बताओ कि वो दोनों भाग कर गए कहां? नहीं बताती। देखो बेटी, बता दो कि वो कहां गए हैं, इससे तेरे बाप को प्रमोशन मिल सकता है। बता दूं? बता दूं? डैडी, वो दोनों ना फुलवा के साथ गए हैं। ये सब क्या हुआ बेटा? देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसके सबूत भाईजान के हाथ लग चुके थे। उन्होंने ये सबूत एक फाइल बनवाकर
बलवंत के घर रख छोड़ी थी। उन बदमाशों ने वो फाइल हासिल कर ली और भाईजान को। माई, हाजी बाबा की मौत के जिम्मेदार हम हैं। हाँ माई, उस फाइल की चोरी हमसे करवाई गई थी और वो चोरी हमने कम समझकर की है। हम कसम खाकर कहते हैं माई, हाजी बाबा की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। हाँ माई, वो गद्दार कहीं भी हो, हम उका ना ही छोड़ेंगे। क्या बात है जगराज, तुम हंस क्यों रहे हो? Why the hell are you laughing? हिंदुस्तानी सरकार ने अमेरिका और फ्रांस के राजदूतों को आखिर कश्मीर में आने की इजाजत दे ही दी ताकि दुनिया को यह तसल्ली दे सके कि कश्मीर में इलेक्शन वहां के लोगों पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि कश्मीर के लोग खुद इलेक्शन चाहते हैं। अगर उन राजदूतों को कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की नाक कट जाएगी, वहां की सिक्योरिटी का पर्दाफाश हो जाएगा, तो मजबूरन हिंदुस्तानी सरकार को इलेक्शन रुकवाने पड़ेंगे। कौन है तुम? कश्मीरी। कश्मीर किधर है? हिंदुस्तान में। ये बात तुमको किसने बताया? अब्बू ने। वेरी गुड, अब्बू ने। ओ यंग मैन, तुम क्या करता है? पहले मेरा हाउस बोट था साहब, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे साहब, हमारा हाउस बोट नंबर वन था साहब, आज सब बर्बाद हो चुका है साहब। किसने खत्म किया? Don't get scared. Tell me, ये सब किसने खत्म किया? अब कुछ नहीं चाहता सर। अरे बोल ना, बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों हो? हाँ, छुपाने के लिए बचा क्या है? पूरे तो बर्बाद हो चुके हम। उन टेररिस्टों ने सब इसको बोला सरहद पार चल के बंदूक चलाने की तालीम लो, इसने मना कर दिया सब। तो उन्होंने हमारा हाउस बोट चला दिया सब। इसको बहुत मारा सब, इसको बहुत मारा। और हमें हमें बहुत बेइज्जत किया सब। हमें बहुत बेइज्जत किया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंडियन गवर्नमेंट इधर इलेक्शन करवाने को मांगता, क्या तुम वोट डालेगा? हम वोट डालेंगे जनाब, एक नहीं हम चार चार वोट डालेंगे, तीन वोट उन बेटों की डालेंगे जिन्होंने की जान दे दी लेकिन बंदूक नहीं उठाई। तुम लोगों को इंडियन आर्मी आई मीन हिंदुस्तानी फौजियों से कोई शिकायत है? कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। डोंट मूव, कोई हिलेगा नहीं। गेट द डॉग। आज के मुख्य समाचार। आतंकवादियों ने विदेश से आए हुए राजदूतों का आज कश्मीर में अपहरण कर लिया। इन हालात में कश्मीर में इलेक्शन करवाई जाए या नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री ने कल सभी दलों की आपात बैठक बुलाई है। हम यूएनओ को क्या जवाब देंगे? अमेरिका फिर हम पर दबाव डालेगा। हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन। मिनिस्टर साहब, आपने और आपकी सरकार ने कश्मीर के मामले को एक मजाक बना दिया है। एक अकेला आतंकवादी पूरी सिक्योरिटी की धज्जे उड़ा के विदेशी राजदूतों को किडनैप करके ले गया। क्या इसी सिक्योरिटी के दम पर हम कश्मीर में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? इतने शर्मनाक हादसे के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। शांत हो जाएं आप लोग, शांत हो जाएं। अगर ये मसला महज मेरे इस्तीफा देने से हल होता है तो मैं इसी वक्त अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन ये वक्त आपस में कीचड़ उछालने और इल्जामात लगाने का नहीं है, बल्कि हमें अपने सब भेदभाव बुलाकर
एक हो जाना चाहिए, मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन अपनी घिनौनी चाल चलकर हमें धर्म मजहब जात पात प्रांत और भाषा के नाम पर लड़ाना चाहता है, हमारे मुल्क के टुकड़े कर देना चाहता है, क्योंकि वो हमारे अवाम को नहीं जानता, हमारी जनता को नहीं जानता, और शायद वो ये भी नहीं जानता कि मथुरा में जिस जमुना के पानी को एक हिंदू अपने कृष्ण भगवान पर चढ़ाता है, जामा मस्जिद में हमारे मुसलमान भाई उसी जमुना के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं, अपने अल्लाह को याद करते हैं। क्या ये एकता, ये जज्बा, ये प्यार हमारा दुश्मन मिटाने में कामयाब हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तानी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने कटा है, झुका नहीं। यह हिंदुस्तान अहिंसा के सामने झुका है, हिंसा के नहीं। दोस्ती के सामने झुका है, दुश्मनी के नहीं। प्यार के सामने झुका है, तलवार के नहीं। जनाब, आखिर ये आतंकवादी चाहते क्या है? भाई वो हमारे एक मंत्री के साथ अमेरिका में मीटिंग चाहते हैं। अमेरिका में? हाँ, और वो मंत्री जी हैं महादेव जी। उसे? उसे क्यों? अरे भाई वो शायद इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने में आप हमेशा सबसे आगे रहे हैं। लेकिन और हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। राजदूतों की जिंदगी बचाने के लिए उनके साथ मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। हाँ, आखिर पता तो चले उनकी डिमांड क्या है। मिस्टर महादेव को जाना चाहिए। लेकिन मैं महादेव जी, ये सारे कैबिनेट का फैसला है, आपको जाना ही हो। हम जा पा रहे हैं? जगराज को लाने। क्या, कैसे? नीचे रखा और इन्हें खोलो। मिस्टर ऑफिसर, ये तो डेड बॉडीज है। आई एम सॉरी डॉक्टर, रेड अलर्ट है, इसलिए चेक करना जरूरी है। मे आई हैव द पेपर्स प्लीज? थैंक यू। नीचे रखो, खोलो इन्हें। ऑफिसर, इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों है? हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट राजदूतों को लेकर कश्मीर से गायब हो गया है, पता नहीं कहां और कैसे पहुंच जाए। दैट्स ओके। एक मिनट डॉक्टर, इन सर्टिफिकेट्स को अपने साथ रखिए ताकि रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो चलो। हेलो, डेल्टा फोर्स 1, स्काई इज क्लियर। जगराज हिंदुस्तान आ चुका है। क्या? जो फॉरेन एम्बेसडर्स किडनैप हुए हैं वो भी जगराज ने किए हैं। ओह आई सी। जगराज के ग्रुप में शामिल होकर मैंने उन सारे लोगों की तस्वीरें एक माइक्रोफिल्म की शक्ल में ले ली है। उन सबूतों को लेकर मैं हिंदुस्तान आ चुका हूँ।
कल ठीक 4 बजे मैं आपको कंट्री क्लब में मिलूंगा।